Hello students, today we will start the new chapter of the human physiology, that is the excretory product and their elimination. तो आज हम human physiology का एक नया chapter start करेंगे, वो कौन सा है? Excretory products and their elimination. Means, आज के lecture में हम discuss करेंगे human एक्सक्रीटरी सिस्टम के रिगार्डिंग. तो जिस तरह से एनिमल्स को न्यूट्रिशन की आवश्यकता होती है लाइफ की सर्वाइबिलिटी के लिए, उसी तरह से जब एनिमल न्यूट्रिशन लेंगे तो बॉडी के अंदर फिर क्या होना है? मेटाबॉलिज्म कंडक्ट होना है. मेटाबॉलिज्म मतलब क्या होता है? Metabolism is the sum of all type of the chemical reaction that occur inside the body. उसे हम क्या बोलते हैं? Metabolism. तो metabolism जो है, अब metabolism हमारी body के अंदर हो रहा है. Metabolism में catabolism भी आता है, anabolism भी आता है. जब different different type की chemical reactions conduct होंगी तो कोई ना कोई excretory product या ये जो है unwanted substance बॉडी के अंदर प्रोड्यूस होंगे, और इन सब्सटेंस को बॉडी से बाहर निकालना जो है इसी को हम क्या बोलते हैं? एक्सक्रीशन के नाम से जानते हैं. अब देखिए, जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके अंदर एक्सक्रीशन कोई प्रॉब्लमेटिक एक्टिविटी नहीं होती है क्योंकि वो सिंगल सेल स्ट्रक्चर्स हैं. अब मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में क्या होता है, हमारे जो मल्टी सेलुलर एनिमल्स में क्या होता है कि इनका बॉडी जो है मिलियंस ऑफ सेल से मिलकर बना हुआ है. ठीक है, अब इनके लाइफ के एग्जिस्टेंस के लिए और उसके मेंटेनेंस के लिए दो एक्टिविटी का होना मस्ट है अलोंग विद द न्यूट्रिशन. कौन कौन सी एक्टिविटी? नंबर वन ऑस्मोरेगुलेशन एंड सेकंड इज एक्सक्रीशन. तो ये दोनों एक्टिविटी बॉडी के अंदर होना मस्ट है. तो ये दोनों एक्टिविटी किसके थ्रू कंडक्ट होती हैं? दीज एक्टिविटी मेंटेन बाय द एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ द आवर बॉडी. तो ये किसके थ्रू कंट्रोल किया जाता है? हमारी बॉडी के एक्सक्रीटरी सिस्टम के थ्रू इन सबको मैनेज किया जाता है. ठीक है, तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि एक्सक्रीशन का मतलब होता है क्या, किसको बोलते हैं एक्सक्रीशन. The question is arise in our mind, what is the excretion? Excretion क्या है? Excretion means होता है elimination of metabolic waste from the body. ठीक है, तो excretion को हम इस तरह से define कर सकते हैं. Excretion is the elimination of metabolic waste from body. More especially, nitrogenous waste. तो body के अंदर भाई metabolism हुआ. अब metabolism में कोई ना कोई तो unwanted substance बने, उन वो बॉडी में डिपॉजिट होंगे तो क्या होगा? वो बॉडी की ग्रोथ के लिए नेगेटिव इफेक्ट क्रिएट करेंगे, तो उनको बॉडी से बाहर निकालना जरूरी है. इसी को हम क्या बोलेंगे? इसी को हम एक्सक्रीशन के नाम से जानते हैं. अब देखिए, बॉडी में मेटाबॉलिक एक्टिविटी लाना है. कैटाबॉलिज्म एज वेल एज एनाबॉलिज्म बोथ आर ऑकरिंग इनसाइड द बॉडी. ठीक है, अब हमारी बॉडी के अंदर कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म होगा. ठीक, अब कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में क्या होगा भाई? ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा. ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा, ये मेटाबॉलिज्म मेनली कहां देखने को मिलता है? आपको रेस्पिरेशन में प्राइमरली यही मेटाबॉलिज्म देखने को मिलता है. अब यहां पर क्या होगा कि जब ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म होगा तो यहां पर मेटाबॉलिक जो है प्रोडक्ट या एक्सक्रीटरी वेस्ट प्रोडक्ट कौन से तैयार होंगे? कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में जो मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट तैयार होते हैं कौन कौन से? CO2 and H2O.
तो ये हमारे मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट तैयार हुए। अब इनको बॉडी से बाहर निकालना है, इनको बॉडी से बाहर निकालना कोई प्रॉब्लमेटिक एक्टिविटी नहीं है। इसके लिए हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम रिस्पॉन्सिबल है। हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम जो होता है वो इन सब्सटेंसेस को, कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से बाहर निकाल लेता है, ठीक है। अब इसके अलावा बॉडी में एक मेटाबॉलिज्म और कंडक्ट होता है, वो कौन सा कंडक्ट होता है? वो होता है हमारा प्रोटीन मेटाबॉलिज्म। प्रोटीन मेटाबॉलिज्म इज अ प्रॉब्लमेटिक, ये थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है। यहां पर क्या होगा कि प्रोटीन मेटाबॉलिज्म में नाइट्रोजिनस वेस्ट प्रोडक्ट प्रोड्यूस हुए हैं। अब नाइट्रोजिनस वेस्ट जैसे कि यहां पर नाइट्रोजिनस वेस्ट प्रोडक्ट प्रोड्यूस हुए, अब जैसे नाइट्रोजिनस वेस्ट लाइक अमोनिया प्रोड्यूस होगा। अब ये अमोनिया यहां प्रोड्यूस हुआ या फिर यहां पे यूरिया प्रोड्यूस हुआ या फिर यूरिक एसिड प्रोड्यूस हुआ, तो इनको बॉडी से बाहर निकालना है। तो मेनली इनको बॉडी से बाहर इलिमिनेट करने के लिए जो सिस्टम होता है उसे हम एक्सक्रीटरी सिस्टम के नाम से जानते हैं, और इन मटेरियल को बॉडी से बाहर निकालने को हम क्या बोलते हैं? एक्सक्रीशन, ठीक है। तो एक्सक्रीशन मींस क्या हो गया? मोर करेक्टली डेफिनेशन ऑफ एक्सक्रीशन, एक्सक्रीशन इज द इलिमिनेशन ऑफ नाइट्रोजेनस मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये बॉडी में जो भी नाइट्रोजेनस मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट है, बॉडी को उससे बाहर निकालने के लिए इसकी आवश्यकता होती है। अब कई बार स्टूडेंट कंफ्यूजन में होते हैं, बोलते हैं कि सर व्हाट्स द नीड ऑफ द इलिमिनेशन ऑफ नाइट्रोजनस मेटाबॉलिक प्रोडक्ट, स्पेशली इसके लिए इतना बड़ा सिस्टम क्यों डेवलप हुआ? देखिए क्या होता है, प्रोटीन के बिना हमारी सर्वाइबिलिटी नहीं, हमारी बॉडी की प्रॉपर ग्रोथ के लिए प्रोटीन का होना मस्ट है। इवन प्लांट्स में भी बिना नाइट्रोजन के जो है प्लांट का ग्रोथ पॉसिबल नहीं है, ठीक है। बेसिकली फॉरेस्ट एरिया जहां पर सब कुछ अवेलेबल होता है प्लांट्स के लिए, फिर भी वहां पर लिमिटिंग फैक्टर कौन सा देखने को मिलता है? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन लिमिटिंग फैक्टर देखने को मिलता है क्योंकि इसकी आवश्यकता प्लांट को बहुत ज्यादा होती है, और प्लांट को इसको गेन करने के लिए माइक्रोब्स के साथ इसको स्ट्रगल करना पड़ता है, ठीक है। तो बेसिकली जो लिमिटिंग फैक्टर है फॉरेस्ट एरिया में वो नाइट्रोजन। हमारी बॉडी में प्रॉब्लम ये है कि हम देखिए एक्सेस अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, उसे हम स्टोर कर सकते हैं, एक्सेस अमाउंट में फैट भी खाएं तो उसको भी हम स्टोर कर सकते हैं, पर एक्सेस अमाउंट में यदि आप प्रोटीन लेते हो तो प्रोटीन को बॉडी में एक्सेस स्टोर करने की कोई भी डिवाइसेस नहीं, प्रोटीन को आपको बॉडी से बाहर निकालना ही पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए प्रोटीन को बाहर बॉडी, प्रोटीन का बॉडी में जब भी मेटाबॉलिज्म होगा तो उसमें क्या होगा, मेटाबॉलिज्म होगा तो प्रोटीन किससे मिलकर तैयार हुआ है? अमाइनो एसिड से प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। तो प्रोटीन का जब भी डाइजेशन होगा अमाइनो एसिड में ब्रेक डाउन होगा, अमाइनो एसिड से बॉडी में सिंथेटिक एक्टिविटी कंडक्ट होगी, और वहां पर जो भी अनवांटेड अमाइनो एसिड्स हैं उनका डीअमाइनेशन होगा, और उनके डीअमाइनेशन से अमोनिया का फॉर्मेशन होगा, और अमोनिया का बॉडी से इलिमिनेशन होगा, ठीक है। तो इस तरह से ये जो नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट है इनको बॉडी से बाहर निकालना बहुत ही प्रॉब्लमेटिक काम होता है, ठीक है। अब इसके बाद हम बात करेंगे होम्योस्टेसिस के बारे में। होम्योस्टेसिस क्या होता है समझिए, मेंटेन द यूनिफॉर्मिलिटी इनसाइड द बॉडी नोन एज द होम्योस्टेसिस। बॉडी के अंदर एक यूनिफॉर्म एनवायरमेंट मेंटेन करके रखना, या बॉडी के अंदर का एनवायरमेंट यूनिफॉर्म रखना, इसे हम क्या बोलते हैं? होम्योस्टेसिस के नाम से जानते हैं।
तो स्टूडेंट्स, नाउ वी डिस्कस अबाउट द होमियोस्टेसिस। होमियोस्टेसिस और हीमोस्टेसिस में कंफ्यूज मत होइए। हीमोस्टेसिस, द प्रोसेस ऑफ ब्लड क्लॉटिंग इज नोन एज हीमोस्टेसिस एंड होमियोस्टेसिस मींस मेंटेन द यूनिफॉर्मिटी इनसाइड द बॉडी। बॉडी के अंदर यूनिफॉर्मिटी मेंटेन करके रखना, इसे हम किस नाम से जानते हैं? इसे हम होमियोस्टेसिस के नाम से जानते हैं। तो इट इज क्या हो गया, ये क्या हो गया? इट इज मेंटेनेंस ऑफ स्टेडी स्टेट इनसाइड द बॉडी, मेंटेन द यूनिफॉर्मिलिटी इनसाइड द बॉडी। तो यूनिफॉर्मिलिटी से मतलब क्या है? बॉडी में यूनिफॉर्मिलिटी से मतलब है बॉडी के अंदर वाटर की अमाउंट को बैलेंस करके रखना, सॉल्ट्स की अमाउंट को बैलेंस करके रखना, ठीक है? बॉडी के अंदर, बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज की अमाउंट को बैलेंस करके रखना, बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में टेम्परेचर को यूनिफॉर्म करके रखना। तो इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, इसको हम होमियोस्टेसिस के नाम से जानते हैं। होमियोस्टेसिस को हम सर्कुलेटरी सिस्टम में भी हमने डिस्कस किया था। तो होमियोस्टेसिस मेंटेन करके रखना, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो स्ट्रक्चर प्ले करता है, सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, वो है हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम। बट अलोंग विद द सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम इज आल्सो हेल्प इन द होमियोस्टेसिस। अब इसके बाद तो होमियोस्टेसिस मीन समझ में आया ना आपको? मेंटेनेंस ऑफ यूनिफॉर्मिटी इनसाइड द बॉडी, हमारी बॉडी के अंदर एक यूनिफॉर्मिलिटी मेंटेन करके रखना, एक स्टेडी स्टेट मेंटेन करके रखना, इसी को हम क्या बोलते हैं? होमियोस्टेसिस, ठीक है? तो उसमें भी हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम एक एडिशनल रोल प्ले करता है। मेन रोल तो सर्कुलेटरी सिस्टम का होता है, पर उसके साथ साथ ये एडिशनल रोल प्ले करता है। उसके बाद एक और बड़ा महत्वपूर्ण फंक्शन है, वो है ऑस्मोरेगुलेशन। ऑस्मोरेगुलेशन मींस क्या होता है? ऑस्मोरेगुलेशन मींस होता है मेंटेनेंस द अमाउंट ऑफ वाटर एंड मिनरल इनसाइड द बॉडी। तो मेंटेनेंस ऑफ अमाउंट ऑफ वाटर एंड मिनरल, मिनरल की जगह हम इलेक्ट्रोलाइट्स भी बोल सकते हैं, इनसाइड द बॉडी। तो बॉडी के अंदर किसकी अमाउंट मेंटेन करके रखना? वाटर की और मिनरल की अमाउंट को मेंटेनेंस करके रखना, इसी को हम क्या बोलते हैं? इसी को हम बोलते हैं ऑस्मोरेगुलेशन। अब ऑस्मोरेगुलेशन कैसे कंडक्ट होता है, जरा देखो। सपोर्ट है, ये कोई पास है, ये कोई पर्सन। अब इसकी बॉडी के अंदर दो चीजों के अमाउंट को बैलेंस रखना है, पहला क्या? वाटर, और दूसरा क्या? मिनरल्स। तो इसकी बॉडी के अंदर वाटर और मिनरल्स के अमाउंट को बैलेंस करके रखना है, ठीक है? और इसकी अमाउंट को बैलेंस करके रखने को हम क्या बोलेंगे? ऑस्मोरेगुलेशन, ठीक है? अब मान लीजिए ये पर्सन वाटर ज्यादा पीता है, पानी ज्यादा पीता है, तो इसकी बॉडी के अंदर वाटर की अमाउंट कम होगी कि ज्यादा होगी? ज्यादा होगी ना। अब देखिए, पानी की अमाउंट इसकी, वाटर की अमाउंट इसकी बॉडी में ज्यादा होगी क्योंकि पानी ज्यादा पिया, तो क्या होगा? यूरिन भी तो ज्यादा जाएगा ना, इनकमिंग बढ़ेगी तो आउटगोइंग भी बढ़ जाएगी वाटर की। तो एक तो ये हो गया। दूसरा हम बात करते हैं कि पानी की कमी है, पानी की कमी है तो बॉडी क्या करेगी? वाटर को कंजर्व करने की कोशिश करेगी। आपने कई बार देखा होगा ना, गर्मियों के दिनों में आपने देखा होगा कि बहुत ज्यादा स्वीटिंग होता है और यूरिन फॉर्मेशन बहुत कम होता है। यूरिन जो भी बनता है वो ज्यादा कॉन्सेंट्रेट होता है, देखा होगा
बहुत ज्यादा यूरिश येलो कलर का यूरिन होता है, बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेट टाइप का यूरिन होता है, ठीक है, जबकि ठंड में ऐसा देखने को नहीं मिलता। ठीक, तो बॉडी के अंदर वाटर की अमाउंट और मिनरल की अमाउंट, ये बेसिकली कौन मेंटेन करके रखेगा? किडनी। किडनी किसका पार्ट है? किडनी एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर आता है ना, एक्सक्रीटरी सिस्टम में मेन स्ट्रक्चर कौन सा है? किडनी। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए सपोर्टेड हमारी बॉडी में सॉल्ट की अमाउंट ज्यादा है तो क्या होगा? सॉल्ट का एलिमिनेशन पर्सन की बॉडी से ज्यादा होगा। अब सपोर्टेड कोई डायबिटिक पर्सन है, उसकी बॉडी में शुगर की अमाउंट ज्यादा है तो उसके यूरिन में एक्सेस अमाउंट ऑफ द शुगर जाएगा ना, क्योंकि बॉडी में शुगर की अमाउंट ज्यादा है। ठीक है, तो बॉडी के अंदर वाटर और मिनरल की अमाउंट को बैलेंस करके रखना ये एक्सक्रीटरी सिस्टम का ही काम है ना, ये हमारे किडनी का ही काम है। तो इसी एक्टिविटी को क्या बोला जाता है? ऑस्मो रेगुलेशन। तो मेनली यदि फंक्शन को लेकर बात करें कि एक्सक्रीटरी सिस्टम का मेन फंक्शन क्या है, तो हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम का जो मेन फंक्शन है कि इट प्ले द वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द एक्सक्रीशन एंड ऑस्मो रेगुलेशन। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम का सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या है कि यह एक तो एक्सक्रीशन में हेल्प करता है और इसके साथ साथ ये ऑस्मो रेगुलेशन में हेल्प करता है। ठीक है, अब इसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है उसके बेस पे हम एनिमल्स को क्लासिफाइड कर सकते हैं, और मोटे तौर पर रफली हम एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट के बेस पर एनिमल को तीन कैटेगरी में क्लासिफाइड करते हैं। ठीक है, तो ये तीन कैटेगरी कौन सी है इन्हें हम डिस्कस करते हैं। तो अभी मैंने बेसिक जो इंट्रोडक्शन डिस्कस किया ये तो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है,